तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी खबर निकल के सामने आई थी कि किस प्रकार भारत और भूटान की जो दोस्ती है वो और ज्यादा गहरी हो रही है, साथ में भारत भूटान के हर छोटे से छोटे हित का ख्याल रख रहा है। और आप सभी को यह भी बताया था कि किस प्रकार से भारत ने भूटान के माल को भारत के अंदर बेचने की अनुमति दे दी है और भारत ने खुद भूटान से आलू खरीदने का फैसला लिया है, ना कि हमने चीन से आलू लिए हैं। भारत चाहता तो चीन से आलू खरीद लेता, परंतु हमने भूटान को मौका दिया कि भूटान का माल भारत के अंदर बिके। साथ में भूटान को फर्टिलाइजर की आवश्यकता थी तो भारत ने ट्रक भर भर के फर्टिलाइजर पहुंचाया भूटान तक। इसके अलावा भूटान के यहां पर जो फैक्ट्रियां थी वो बंद होने वाली थी तो भारत ने भूटान की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपने यहां से कोयला को भी भेज दिया, ताकि भूटान को किसी भी प्रकार की कमी ना हो और भूटान आसानी से व्यापार करता रहे और उसकी अर्थव्यवस्था को किसी भी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे। परंतु दोस्तों, भूटान ने कुछ ऐसा किया है जिससे आप सभी को भी भूटान के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। दरअसल दोस्तों, भूटान जाकर मिल गया है चीन के साथ और भूटान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने साफ साफ यह कह दिया है कि हम चीन के साथ जो हमारा सीमा विवाद है उसको जल्दी से जल्दी सुलझाएंगे। और स्क्रीन पर आप सभी एक स्क्रीनशॉट भी देख सकते हो जिसके माध्यम से ऐसी जानकारी दी गई है कि भूटान के विदेश मंत्री ने यह साफ साफ तौर पर कह दिया है कि हम चीन के साथ अपना जो सीमा विवाद है उसको सुलझाने वाले हैं, परंतु इसमें इस बात का यह ध्यान रखा जाएगा कि इसमें भारत के जो हित हैं उनको किसी भी प्रकार से नुकसान ना पहुंचे। परंतु आप सभी इस बात को जानते हो कि चीन का सिर्फ एक ही मकसद है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको किसी भी प्रकार से, चाहे पैसों का लालच हो या फिर किसी भी बात का लालच हो, इन देशों को लालच दिया जाए और भारत से इन देशों की जो दोस्ती है उसको तोड़कर चीन के साथ इन देशों की दोस्ती बना ली जाए और बाद में जब चीन को आवश्यकता पड़ेगी तो भारत के खिलाफ इन्हीं देशों की जो जमीन है उसका इस्तेमाल करेगा चीन। और हालांकि जो भूटान है वो भलीभांति तरीके से जानता है कि चीन और भारत में से कौन उसके लिए अच्छा साथी बन सकता है, परंतु भूटान ने यह कसम खा रखी है कि जब तक उसको ठोकर नहीं लगेगी तब तक भूटान समझने वाला नहीं है। आज पूरी दुनिया में श्रीलंका के अंदर जो संकट मंडराया है वो किसके कारण है यह सब जानते हैं, परंतु भूटान इसके बावजूद भी चीन पर भरोसा कर रहा है और उसके साथ सीमा विवाद सुलझाना चाहता है। और चीन को तो आप सभी भलीभांति तरीके से जानते हो, चीन भूटान के ऊपर प्रेशर डालेगा और शायद भूटान की जमीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा चीन भूटान से छीन भी सकता है, जो कि भारत के लिए आगे चलकर बहुत ही बड़ी मुसीबत बनेगी। खैर, आप सभी के इस टॉपिक पर क्या राय है और क्या भारत को भूटान की इस मसले के ऊपर किसी भी प्रकार से मदद करनी चाहिए या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में पीरा बस दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।